हेलो एवरीवन पूम सुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज बनाएंगे शेफ रणवीर इंस्पायर्ड तो चलो देखते हैं मैं इस रेसिपी को कितना फॉलो कर पाई हूँ सबसे पहले एक सॉस बनाएंगे तो यहाँ पर ना लिया है मैंने एक मिक्सी जार में प्याज लिया है टमाटर लिया अदरक लिया थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च लिया दो और इसके बाद नमक डाला इसके बाद मेरे पास सेसमी ऑयल नहीं था तो मैंने नॉर्मल ऑयल का यूज़ किया और इसको ब्लेंड कर लिया क्वांटिटी मैंने शेफ़ के वीडियो जैसा ही रखा है कुछ भी चेंजेस नहीं किया है इसके बाद यहाँ पर मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था अब यहाँ पर शेफ़ ने दो तरह से बताया था एक तो नूडल्स के थ्रू बताया था और दूसरा बताया था जो ट्रेडिशनली थप्पा में जैसे नूडल्स को आटा गूद करके बनाया जाता है उसके थ्रू बताया था तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था बनाने के लिए तो मैंने क्या किया था नॉर्मली नूडल्स को नमक डालकर बॉयल कर लिया था और नूडल्स को यहाँ पर मैंने पाँच से छः मिनट के लिए बॉयल किया था और इसके बाद यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया था अच्छा और एक चीज़ शेफ़ ने ना बाद में नूडल्स को निकालने के बाद इसको अच्छे से पानी से एक बार वॉश भी किया था और इसके बाद इसमें ऑयल से अच्छे से ग्रीसिंग किया था ताकि नूडल्स एक दूसरे में चिपके ना बट मेरा यहाँ पर जो नूडल्स है ना वो ऑलरेडी नॉन स्टिकी है ये नहीं चिपकने वाला है तो मैंने क्या किया था मैंने इसको एक बार अच्छे से पहले तो बॉईल कर लिया उसके बाद इसको स्टार्च इसका सारा निकालने के लिए मैंने इसको पानी से अच्छे से वॉश किया था और इसके बाद मैंने इसके पानी को निकलने के लिए साइड में रख दिया था तो यहाँ पर देखो हमारा नूडल्स तो एकदम अच्छे से बॉईल हो गया है एकदम सही दिख रहा है तो बस अब यहाँ पे गैस फ्लेम को बंद किया और मैंने इसको निकाल कर पानी इसका निकाल के साइड कर लिया था इसके बाद ना शेफ़ ने बनाया था एक चिली ऑयल तो उसको भी बना लेते हैं तो यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन डाला था इसके बाद इसमें सेसमे सीड्स डाला और इसके बाद एक बार इसको मिक्स कर लिया था और इसके बाद इसमें मैंने डाला सोया सॉस और इसके बाद भी इसको मिक्स कर लिया अब लास्ट में इसमें हम लोग डाल देंगे चिली फ्लेक्स और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है और बस मिक्स कर लेंगे एक मिनट बस मैंने इसको कुक किया है मिर्च आपका जले नहीं बस आपको इस बात का ध्यान रखना है और बस ये हमारा चिली ऑयल रेडी हो गया इसको साइड में रखेंगे अभी के लिए अब इसी सेम कढ़ाई में जिसमें हमने चिली ऑयल को बनाया था इसमें हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे और इसके बाद जो हमने पहले सॉस प्रिपेयर करके रखा था ना प्याज टमाटर अदरक वाला वो इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से और अब इसको हमें इसे बहुत अच्छे तरह से भुनना है मैंने इसको लगभग आठ से दस मिनट के लिए भुना था और साइड से ना तेल रिलीज होना भी शुरू हो गया था तब तक मैंने इसको बोला था अब ना मैंने यहाँ पे थोड़े से वेरिएशन किए हैं जैसे कि जब मेरे पास सेसमे ऑयल नहीं था जैसे कि वीडियो में शेफ़ ने यूज़ किया तो मैंने वहाँ पर ना सेस में सीड्स था मेरे पास तो उसकी जगह पर वो यूज़ कर लिया था बाद में मतलब वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और नॉर्मल ऑयल का ही यूज़ किया है तो यहाँ पर देखो मैंने ना इसको सात से आठ मिनट तक भुना है तेल ना एकदम अच्छे से साइड से निकलने लगा है तो यहाँ पर हमारा मसाला एकदम भुन चुका है अब इसमें सब्जियाँ डालेंगे तो यहाँ पर मैंने डाला है कैरेट कैप्सिकम कैबेज और यहाँ पे इसके साथ कॉर्नस भी डाल दिया है और मिक्स कर लिया है सब्जियों को ना बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है एकदम हल्का सा जब पानी रिलीज करने लगे तब तक ही भुनना है और यहाँ पर ना एज पर शेफ़ उन्होंने कहा था कैबेज और गाजर जो है इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है सब्जियों में तो मैंने ये दोनों को रखा है और एक्स्ट्रा जो भी आप सब्जी डालना चाहो आप डाल सकते हो तो मैंने भी उसी तरह से यहाँ पर किया है इसके बाद इसमें मैंने बहुत अच्छे क्वांटिटी में पानी डाला है लगभग तीन से चार ग्लास और इसके बाद इसको बॉयल होने दिया इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक सेसमे सीड्स और इसमें डाला थोड़ा सा ब्लैक पेपर और बस अब इसको मिक्स कर लेंगे अभी जैसे कि मैंने आपको बोला मेरे पास सेसमे ऑयल नहीं था तो मैंने यहाँ पर सेसमे सीड्स एक्स्ट्रा डाल दिया था फॉर दैट क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसे हल्का सा गर्मी आएगा खाते समय मानसून के टाइम पे इसलिए मैंने यहाँ पर सेसमे सीड्स डाला इसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाला था हाफ टी स्पून के लगभग और फिर मिक्स कर लिया सब चीज़ों को और ना मैंने इसको लगभग दो से तीन मिनट तक बॉईल किया था अच्छे से इसके बाद जो हमने नूडल्स को बॉईल करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद मैंने इसको और भी पाँच मिनट तक कुक कर लिया था और बस हमारे यहाँ पे थप्पा बिल्कुल रेडी हो गया मैं इसको सर्व कर लेती हूँ और आप मुझे बताओ कि मैं कितना इस रेसिपी को फॉलो कर पाई हूँ थोड़े से वेरिएशंस मैंने किए हैं क्योंकि शेफ़ ने कहा था कि जैसे भी हो लेकिन आप इसको ट्राई करना तो मैंने इसको इसी तरह से ट्राई करने का पूरा कोशिश किया है और सर्व करने का भी कोशिश किया है आप बताना सर्विंग कैसा है और सब कुछ बताओ यार कैसा लगा आपको वीडियो ऐसे वीडियोज़ और चाहिए क्या तो वो भी कमेंट करके बताना चलो वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और मेरे यहाँ तो काफी अच्छा बारिश हो रहा है तो मैंने ना एकदम सही दिन पर इसको बनाया है आप देख लो बारिश का सीन और ये बहुत मस्त है चलो ऐसे ही मिलते हैं नई रेसिपी तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय